हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अमाइनो एसिड का एक क्विक रिव्यू, जिस जो भी हमने अब तक पढ़ा है कि वो कितने टाइप कर हो गए और किस किस बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड हो जाते हैं। स्टैंडर्ड थे हमारे 22 अमाइनो एसिड्स, जिसमें लास्ट टू हमने पढ़े थे सोलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, जो वेरी कॉमन होंगे हमारे, क्या होंगे, प्रोटियोजेनिक होंगे, जो पॉलीपेप्टाइड्स में हमें देखने को मिल जाएंगे। नॉन स्टैंडर्ड बहुत सारे होते हैं, मोर देन 500, जो अनकॉमन होंगे वो देखने को मिल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन में आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के तौर पे। दूसरा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप के बेसिस पे एलिफेटिक, अगर उसमें कोई एलिफेटिक ग्रुप है, लाइक हमारा ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन था, वेलाइन था। एरोमेटिक, एरोमेटिक थे हमारे ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एनालिन और टायरोसिन। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग थे हमारी सीरीन, थ्रियोनिन। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये आर ग्रुप के बेसिस पे डिवीजन हो गए अमाइनो एसिड के। नेक्स्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट की एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसका हमें बोल सकते हैं कि हम उसको फूड के तौर पर इनटेक करते हैं, बाहर से ज़रूरत होती है। सेमी एसेंशियल जो हम बोल सकते हैं 50-50% की कुछ हम बोलेंगे अमाउंट में बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और कुछ अमाउंट में हमें बाहर से भी लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल सारे वो अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, जो भी हमारी बॉडी में हम बोलें कि राइबोसोम का काम होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो वो इन्हीं के हेल्प से होती है। एसेंशियल हमारे आ गए जो हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, मिथियोनिन, वेलाइन, थ्रियोनिन और हमारा फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन और हमारा ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। और सेमी एसेंशियल हमारे हो जाते हैं हमारा आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। बाकी जो 22 में से रेस्ट अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो खुद बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो हमारे कीटोजेनिक हैं, ग्लूकोकीटोजेनिक हैं या ग्लूकोजेनिक हैं, मतलब। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर का मतलब होता है कि अगर हम अमाइनो एसिड को कैटाबोलाइज करें तो एज अ सबस्ट्रेट वो किस किस चीज़ के फॉर्मेशन में यूज़ हो सकता है। अगर वो कीटोन के जनरेशन में यूज़ हो रहा है तो उसको बोलेंगे कीटोजेनिक, जो हमारे होते हैं लाइसिन और ल्यूसिन। और अगर वो ग्लूकोकीटोजेनिक है, मतलब दोनों चीज़ बना दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लूकोकीटोजेनिक, जिसमें हमारा आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हमारा टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन आ जाता है। और जो सिर्फ ग्लूकोजेनिक होते हैं, यानी एज अ सबस्ट्रेट हम अमाइनो एसिड यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ग्लूकोज जनरेशन में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ग्लूकोजेनिक है। जो इन को छोड़ के बाकी रेस्ट अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे वो यूज़ हो जाएंगे एज एन ग्लूकोजेनिक। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कि वो नॉन पोलर है या पोलर है। अगर वो नॉन पोलर है, मतलब हाइड्रोफोबिक भी होगा, तो उसमें हमारे अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं ये ग्लाइसिन, एलानाइन, ये सिंगल लेटर कोड है, जो हमने पहली वीडियोस में बता चुके हैं कि हर अमाइनो एसिड का एक सिंगल लेटर कोड होता है और थ्री लेटर कोड भी होता है। तो ग्लाइसिन, जी फॉर ग्लाइसिन, ए फॉर एलानाइन, वी फॉर वेलाइन, पी फॉर प्रोलाइन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन और डब्ल्यू फॉर हमारा ट्रिप्टोफैन, एफ फॉर फिनाइल एलानिन एंड एम फॉर मिथियोनिन। तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, जबकि जो पोलर हो गए उसमें चार्ज आ जाएंगे, अनचार्ज्ड आ जाएंगे, कि पोलर होते हुए भी अनचार्ज है, जैसे हमारे सीराइन, थ्रियोनिन, सिस्टीन और हमारा एस्पैराजीन, हमारा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और हमारा ग्लूटामाइन। और चार्ज जो होंगे उसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, जैसे हमारे एचआर के होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनाइन। और जो हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो हमारे होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स, जैसे हमारे ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो ये हो गया हमारा क्विक ओवरव्यू कि हमारे अमाइनो एसिड्स किस किस बेसिस पे डिवाइड हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। थैंक यू।